संक्रमण पर प्रभावी लगाम लगाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी कीव जैन पांजन की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक कलेक्ट्रेट स्थित इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल रूम में संपन्न हुई। बैठक में CDO इंद्रजीत सिंह, एडिशनल CMO नंद कुमार सहित स्वास्थ्य विभाग के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में जनपद में ऑक्सीजन और अस्पतालों में बेडों की संख्या को लेकर विचार विमर्श किया गया तथा आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों को शासन द्वारा दिए जाने वाले व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की गई। बैठक के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में भी अभियान चलाकर कोविड की टेस्टिंग बढ़ाए जाने पर चर्चा की गई। इस दौरान जिलाधिकारी केव जैन पांडियन ने निर्देशित किया कि कोविड की जांच की संख्या बढ़ाई जाए और प्रत्येक व्यक्ति की कोविड की जांच की जाए, जिससे संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। इसके संबंध में जिलाधिकारी केव जैन पांडियन ने बताया कि कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इसके बचाव के लिए सावधानी ही एकमात्र उपाय है। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति मास्क लगावे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे। इसी के साथ 18 वर्ष से ऊपर के नागरिकों का वैक्सीनेशन कराया जा रहा है, जिससे कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को रोका जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडियन ने कहा, कितने पेशेंट भर्ती होता है उन लोगों को डिटेल क्यों नहीं है उनके पास? सर पिछले बार गूगल शीट में हम लोग मेंशन करते हैं, कल तक करा दो। हाँ, उसे तो ट्रेस करना पड़ेगा ना, ताकि बहुत लोग क्या करें, पॉइंट अब हम लोग मिस कर रहे हैं। चुनाव तो खत्म हो गया हमारा, तो सब पूरा फोकस अभी कोविड में करेंगे। अभी आगे पहले इससे शुरू करते हैं टेस्टिंग में, पहले कॉन्टैक्ट टेस्टिंग करें। टेस्टिंग का जो हमारा जो करना है क्या वो सफिशिएंटली, क्या नंद जी वो क्या किट पे क्या स्थिति है? सर हमारे पास किट है। क्यों हमें सभी लोग फोन कर रहे थे कि अभी तो 3 CSE में आपका नहीं है, सुबह से मुझे फोन आया है आपका, तो यार वो उस पर वो कजनी में नहीं है आपका, और दो जो कहा शाहपुर में शायद, कहाँ कहाँ टेस्टिंग कर रहे हैं? टेस्टिंग सेंटर किसी भी सूरत पे बंद नहीं होना चाहिए। आज नहीं है कि तो बहुत जगह नहीं है, बहुत जगह टेस्ट नहीं हो रहा है। MO इसी फिर तो फिर वापस या उसी नहीं, सर टेस्टिंग हो रहा है अर्बन PHC शाहपुर में, कहाँ है सर मैं अभी बता देता हूँ। नहीं यहाँ यार कितने जगह आपका टेस्ट है, टेस्टिंग सेंटर टेस्टिंग सेंटर कौन देख रहे हैं? ना यार पूरा टेस्टिंग सेंटर नंबर बताओ ना, कितने हैं, कितने जगह हो रहे शहर में? तो 23 PSC में करते हो जानता हूँ। नहीं नहीं मिल रहा है, अच्छा बढ़िया। ये PSA प्लांट है क्या? क्या देखिए कोविड का संख्या तो बढ़ती जा रही है, मैं सभी का यही निवेदन करता हूं, जो इस समय में फिलहाल लॉकडाउन भी चल रहा है और ये स्थिति कठिन है, मतलब टफ है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, ज़रूरत है तो कब तब घर से बाहर निकालिए, निकलते वक्त ज़रूर मास्क पहनिए, दूरी बनाइए, और इस समय में किसको भी हल्की सी भी ज़रा लक्षण लगता है आप विलम्ब मत करिए, तुरंत जाँच करा करके दवाई शुरू कर दीजिए। इस समय में जो भी बुखार है, जो भी जुकाम है, मान के जाइए वो कोविड है एक तरफ से, उसी के हिसाब से आप एक बार टेस्ट कर लीजिए और तुरंत उसका उपचार शुरू कर दीजिए, आप इंतज़ार मत करिए। ये मेरा निवेदन है आपका। सर वैक्सीनेशन चल रहा है हमारा 80 सेंटर में चल रहा है, उस पर 60 सेंटर हम लोग 45 का ऊपर वाले के रखे हैं और 20 सेंटर 18 को ऊपर वाले के रखे हैं। 18 को ऊपर का जो 1 तारीख से प्रारंभ हुआ है उस पर मैं निवेदन करता हूँ, बिना रजिस्ट्रेशन का आपका वैक्सीनेशन नहीं लगेगी। इसलिए 18 के ऊपर जो कितने लोग हैं कोविन पोर्टल के अंदर जाके अपने रजिस्ट्रेशन कराइए, उस पर आपका मैसेज आएगा किसी दिन में आपको जाना है, तब आप वैक्सीनेशन लगा पाएंगे। इसलिए 18 के ऊपर वाले सब रजिस्ट्रेशन पहले करिए, आपका बारी आने पे ज़रूर हम लगा देंगे वैक्सीन।